नरेंद्र मोदी देश नहीं है, झूठ बोलना बंद करिए। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो है ना। प्राइम मिनिस्टर बहुत रहे हैं, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ बोलते तो नरेंद्र मोदी देशद्रोही हुआ। फिर तो आपके लॉजिक से फिर तो नरेंद्र मोदी भी देशद्रोही हुए। हाँ, आज अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि फिलिस्तीन के साथ भारत की जनता है, नरेंद्र मोदी देशद्रोही हुए। फिर तो नरेंद्र मोदी आज अलग बात बोल रहे हैं। बेकार का देशद्रोह का एंगल यहाँ पे लाना बंद करिए। आपको लगता है 200 साल पहले ब्रिटिश गलत थे भारत के प्रति, बस उसी वजह से लगता है इसराइल गलत है फिलिस्तीन के प्रति। आज मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अगर विदेशी ताकतों की गोद में जाकर बैठना चाहते हैं तो उससे आप कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते। मोदी गद्दारी कर रहा है। इससे पहले के भारतीय राज्य के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अलग अलग जगहों पर फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। इजराइल नामक देश का जन्म ही कब्जे के साथ, फिलिस्तीन पर कब्जे के साथ हुआ है। हम इसके विरोध में जा रहे क्योंकि हमें ये न्याय संगत लग रहा है। आप वहाँ गाजा में जो अभी पानी के लिए लोग तरस रहे, वहाँ पर जो हमारे जैसे स्टूडेंट के कॉलेजों पर बम गिराया जा रहा है, फिलिस्तीन की गजा पट्टी जिसकी जनता है उसमें 70% जनता आज भी बेरोजगार है। वहाँ के जनता मूलभूत अधिकारों से वंचित है, पूरी तरीके से वो इसराइल पे निर्भर है। एक तरीके से अगर हम ये कहें कि गजा पट्टी खुली जेल है तो ये गलत नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी को इसराइल से डर लगने लगा है तो अलग बात है। भारत का इतिहास हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहा क्योंकि भारत ने खुद उपनिवेशवाद से, खुद कॉलोनियलिज्म से लड़ा है। फिलिस्तीन भी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्वविद्यालय में। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं भारी जनसंख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और जो लोग ये फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, तो आइए इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्यों फिलिस्तीन के साथ हैं? आपका नाम? अभिज्ञान आईसा। हम यहाँ पे फिलिस्तीन की जनता के सपोर्ट में आए, बात को घुमाए नहीं। हमास के साथ नहीं, फिलिस्तीन की जनता पिछले 75 साल से एक ऑक्यूपेशन के अंडर जी रही है। फिलिस्तीन की जनता ने PFLP भी देखा है, यासिर अरफात भी देखा है, हमास भी देखा है। यहाँ पर हमास के हवाले से इसराइल जो फिलिस्तीन की जनता पर कर रहा है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश ना की जाए। हम यहाँ पर कहने आए हैं हमास के हवाले से ही कह रहा है। लगातार क्या बात कही जा रही है कि हमास ने ये किया, इस वजह से। हम नहीं कह रहे हैं कि हमास जो कर रहा है वो एकदम ठीक है या जो भी। हम कह रहे हैं फिलिस्तीन की जनता 75 साल से एक ऑक्यूपेशन के अंडर जी रही है, उस ऑक्यूपेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार उनको है। और ये ऑक्यूपेशन पे अगर बात होगी, अगर आप यहाँ पर ये सहमत हैं कि एक फिलिस्तीन की जनता पर ऑक्यूपेशन है, अगर आप वहाँ पर सहमत हैं तो उसके आगे कैसे रिवोल्ट करना चाहिए उस पर आप बात कर सकते हैं। मगर इस जंग को ख़त्म करने के लिए अमन की मांग करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। मगर हम ये जानते हैं कि उस ऑक्यूपेशन को ख़त्म किए बिना कोई अमन नहीं हो सकता। आपको लगता है 200 साल पहले ब्रिटिश गलत थे भारत के प्रति, बस उसी वजह से लगता है इसराइल गलत है फिलिस्तीन के प्रति। जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो मोदी जी है वो इसराइल के साथ है, आप लोग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, मोदी गद्दारी कर रहा है। इससे पहले के भारतीय राज्य के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अलग अलग जगहों पर फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। इजराइल नामक देश का जन्म ही कब्जे के साथ, फिलिस्तीन पर कब्जे के साथ हुआ है। और आज जो जुल्म वहां ढाया जा रहा है, आप फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, आपको लग नहीं रहा देश के विरोध में जा रही हूँ कि पूरे जनता प्रधानमंत्री के साथ है इसराइल का? बिल्कुल, आपका सवाल मैं क्लियर समझ नहीं पाया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री इसराइल के साथ है, आपको नहीं लग रहा आप देश के विरोध जा रहे हैं? बिल्कुल, हम जा रहे हैं। कोई नेता या नायक किसके विरोध में, वो अपने फायदे और हित के हिसाब से देखता है। हम इसके विरोध में जा रहे हैं क्योंकि हमें ये न्याय संगत लग रहा है। आप वहाँ गाजा में जो अभी पानी के लिए लोग तरस रहे, वहाँ पर जो हमारे जैसे स्टूडेंट के कॉलेजों पर बम गिराया जा रहा है, ये तो आप अगर इंसान है, पत्रकार बाद में होंगे, तो आप भी न्याय के पक्ष में आवाज उठाएंगे। इसराइल जैसा देश है, उसने हमेशा हमारे भारत देश के सहायता करी है, मदद करी है, फिर भी आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। इससे मोल भाव से हम चीजों को तय नहीं करेंगे। इसराइल या कोई भी देश अपने हितों को ताक पे रख के कभी आपके पक्ष में नहीं खड़ा होता, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। वो अपने हित के लिए, भारत एक कच्चा माल और सस्ता श्रम का एक जगह है, इसीलिए भारत के ऊपर
जो भी वो अपना रिश्ता तालमेल चलाते हैं, इससे इतर कुछ नहीं है। फिलिस्तीन के संघर्ष का समर्थन करना, अपने आप को इंसाफ पसंद के तौर पर ये चीजें करना है, इसीलिए हम फिलिस्तीन के जनता के प्रति खुल करके समर्थन करते हैं उनके संघर्ष। जिस तरीके से यहाँ आप देख ही रहे हैं किस तरीके से जो है ये फिलिस्तीन के साथ में लोग हैं, तो इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे फिलिस्तीन के साथ क्यों है? फिलिस्तीन की जनता की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वहाँ की जनता मूलभूत अधिकारों के लिए भी इसराइल पर निर्भर है, और जिस तरीके से इसराइल के हमले सिर्फ आज से नहीं एक लंबे समय से लगातार फिलिस्तीन की जनता पर बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलिस्तीन की जनता हो या किसी भी देश की जनता, इस तरीके की वॉर में या वॉर जैसी स्थिति में जनता मेहनतकश आबादी सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है। अभी भी फिलिस्तीन की गजा पट्टी जिसकी जनता है उसमें 70% जनता आज भी बेरोजगार है। वहाँ के जनता मूलभूत अधिकारों से वंचित है, पूरी तरीके से वो इसराइल पे निर्भर है। एक तरीके से अगर हम ये कहें कि गजा पट्टी खुली जेल है तो ये गलत नहीं होगा। जेल की चार दीवारी के अंदर लोग मजबूर होते हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए फिलिस्तीन का साथ दे रही है, वहीं नरेंद्र मोदी जी अगर कहें तो इसराइल का साथ दे रहे हैं, तो क्यों आप देश के विरोध में नहीं जा रही है एक तरीके से? देखिए इसराइल का साथ देना इतना, इसराइल और यूएस के गठजोड़ को समझना इतना आसान नहीं है। यूएस तेल की कीमतों पर तेल पे कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए भी वो इसराइल को समर्थन दे रहा है, लेकिन जो विकासशील देश है उनके लिए जरूरी है कि वो इस वॉर को, इस तरीके की स्थिति को खत्म होने की बात करें, ना कि इस तरीके की चीजों को बढ़ाए जाने की बात करें। लेकिन जिस तरीके से हमास द्वारा हमले किए जा रहे हैं उसको कैसे तरीके से देखते हैं? देखिए हमास का हमला उस तरीके की परिस्थिति के कारण पैदा हुआ है जो है गलत, लेकिन वहाँ की जनता का जो संघर्ष है, जिस तरीके की स्थिति है उसको समझने की भी हमें जरूरत है। वहाँ की जनता बहुत से अधिकारों से वंचित है। सबसे पहले वहाँ की जनता के लिए न्याय, सुरक्षा, मूलभूत अधिकारों की बात की जानी चाहिए, वो इंश्योर किए जाने चाहिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ आप देख ही रहे हैं जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, विश्वविद्यालय से यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिख ही रहे होंगे, और नारेबाजी लगातार चल रही है। जिस तरीके से ये लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो हैं जो खालिस जिस तरीके से यहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए हैं, तो क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे फिलिस्तीन के सपोर्ट में क्यों है? फिलिस्तीन के ऊपर लगातार कंटिन्यूसली जिस हिसाब से आज से नहीं 50-60 सालों से लगातार जिस हिसाब दमन हो रहा है, उनके पास उन्होंने पीस टॉर्च भी किया, कुछ बचता नहीं है उनके पास। उनका मास जो इंटरनेशन जो किया जा रहा है, उनका जो नरसंहार जो किया जा रहा है, उससे संघर्ष से हम खड़े हुए हैं सब यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसराइल के साथ हैं, आप फिलिस्तीन का साथ क्यों दे रहे हैं फिर? प्रधानमंत्री मोदी खुद को क्या समझते हैं हमें नहीं पता। भारत का भी इतिहास है फिलिस्तीन का साथ देने का, भारत का इतिहास अलग नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी को इसराइल से डर लगने लगा है तो अलग बात है, भारत का इतिहास हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहा, क्योंकि भारत ने खुद उपनिवेशवाद से, खुद कॉलोनियलिज्म से लड़ा है, फिलिस्तीन भी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, इसीलिए भारत को फिलिस्तीन के साथ। इसराइल ने हमेशा देश का साथ दिया, भारत देश के साथ खड़ा रहा है, मदद करी है क्या मदद? हाँ, और मदद क्या होता है? भारत देश हमेशा से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के पक्ष में रहा है। आज मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अगर विदेशी ताकतों की गोद में जाकर बैठना चाहते हैं तो उससे आप कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। भारत खुद कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ा है और फिलिस्तीन आज कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग फिलिस्तीन का साथ दे रहे, लगने रहे देश के विरोध में जा रहे हैं। क्यों विरोध में जा रहे हैं? फिलिस्तीन के पक्ष में देश का विरोध क्या है? है नरेंद्र मोदी देश का नेता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी इसराइल के साथ है और आप देश के खिलाफ? देश नहीं है नरेंद्र मोदी, देश नहीं है, झूठ बोलना बंद करिए। प्राइम मिनिस्टर तो है ना, मोदी देश नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो है ना। प्राइम मिनिस्टर बहुत रहे हैं, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ बोलते थे तो नरेंद्र मोदी देशद्रोही हुआ, फिर तो आपके लॉजिक से फिर तो नरेंद्र मोदी भी देशद्रोही हुए। हाँ, आज अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि फिलिस्तीन के साथ भारत की जनता है, नरेंद्र मोदी देशद्रोही हुए, फिर तो नरेंद्र मोदी आज अलग बात बोल रहे हैं। बेकार का देशद्रोह का एंगल यहाँ पे लाना बंद करिए और हम बात नहीं करनी है।
जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं फिलिस्तीन के साथ में, और कितने लोग हैं आप लोग, कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अच्छा, हम लोग कम से कम 100-150 लोग तो होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, और ये इससे बड़ा होना ही चाहिए, पूरी यूनिवर्सिटी को आज उतर जाना चाहिए सड़क पे फिलिस्तीन के सपोर्ट में। लेकिन जिस तरीके से आप निकल भी देखा जंतर मंतर पे जब लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में यहाँ पे नारे लगाए गए, धरना प्रदर्शन हुआ, पूरा मार्च चलाया गया विश्वविद्यालय से लेके पूरा आगे तक ये मार्च जा रहा है, और जिस तरीके से ये लोग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो इसराइल के साथ हैं। तो हम इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन तौहीद के साथ मैं नूरजान धनेतवाज़।